अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है, वो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर की टाइप्स क्या है, ये आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये ट्रांसलेटर का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। ट्रांसलेटर का मतलब जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, हम क्या करते हैं, अक्सर गूगल पे जाते हैं, गूगल ट्रांसलेटर को निकालते हैं। अगर हमें कोई बात समझ नहीं आ रही तो हम वहाँ पे क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। किसको करते हैं, अगर इंग्लिश में कोई वर्ड्स हैं, हम उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर कंप्यूटर में इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसलेटर का मतलब ये है कि इसने इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करना है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इंस्ट्रक्शंस किस टाइप की, वो मे बी हाई लेवल की हो सकती हैं, वो मे बी असेंबली लैंग्वेज की हो सकती हैं। अगर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो फिर हम कोई ट्रांसलेटर इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने हाई लेवल की इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना है, तो फिर हम कोई ना कोई ट्रांसलेटर इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रांसलेटर का मतलब क्या है कि इसने इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करना होता है एक ऐसी फॉर्म के अंदर जिसको कंप्यूटर बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर ले। जी, तो अब बात करेंगे ट्रांसलेटर्स की। तो सबसे पहले अपने पास जो ट्रांसलेटर है उसको हम कहते हैं कंपाइलर। दूसरे नंबर पे अपने पास है, इसको हम नाम देते हैं इंटरप्रेटर का। सबसे लास्ट पे अपने पास असेंबलर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर का काम क्या है। कंपाइलर का काम यह है कि इसने हाई लेवल के इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है। जो इंस्ट्रक्शंस हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर देंगे, वो इसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर हाई लेवल की इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो कंपाइलर के अंदर अपने पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला जो है उसको हम नाम देते हैं सोर्स कोड का, और दूसरा जो अपने पास है इसको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्ट कोड का। तो सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड एक ऐसा कोड जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उसको हम सोर्स कोड का नाम देते हैं। सोर्स कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में लिखी गई हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी गई हैं। तो उसके बाद है अपना ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो हम मशीन कोड के अंदर लिखते हैं। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, क्योंकि मशीन कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, जबकि सोर्स कोड को वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। तो अब सोर्स कोड को हम सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ताकि कंप्यूटर इसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर ले। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं, उस ट्रांसलेटर को हम नाम देते हैं कंपाइलर का। अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है उसमें आपने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, सिंटैक्स क्या है, कलेक्शन ऑफ रूल्स है, प्रोग्राम लिखने के कुछ असूलो जवाबत हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, सिंटैक्स का नाम देते हैं। अगर आपने उन सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, तो फिर आप कंपाइलर जो होगा वो आपके प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड करेगा। एरर जब आएंगे आपके प्रोग्राम के अंदर, तो आप कभी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो कंपाइलर का काम समझ में आ गया कि इसे क्या करना है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब ये कि अपनी हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन जो है उसको कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर उसको बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर ले। अब हम दूसरे ट्रांसलेटर की बात करते हैं जिसका नाम है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है, ये भी एक ट्रांसलेटर की टाइप है जो क्या करता है, हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है।
पूरा प्रोग्राम को ये एग्जीक्यूट नहीं करता, ये लाइन बाय लाइन अपनी इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर इंटरप्रेटर को हम यूज कर रहे हैं तो हमने कोई भी स्टेटमेंट जिसके अंदर एरर होगा तो आपका इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर वहां पे अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देगा और स्क्रीन के ऊपर एक एरर का मैसेज डिस्प्ले कर देगा। इंटरप्रेटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एरर्स को बहुत तेजी के साथ फाउंड कर लेता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हर लाइन को चेक कर रहा है, अगर किसी लाइन के ऊपर एरर आ गया तो ये वहां पे मैसेज शो करवा देगा। तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसको नॉर्मली हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बेसिक लैंग्वेज के अंदर इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। अब सबसे लास्ट पे अपने पास असेंबलर है जो ट्रांसलेटर की ही टाइप है। असेंबलर जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। ये असेंबलर का काम सिंपल सा है कि इसने असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको किसमें लेके जाना है, मशीन कोड के अंदर लेके जाना है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर असेंबली लैंग्वेज को डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, हम किस फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिनको हम मिनिमोनिक्स का नाम देते हैं। मिनिमोनिक्स का जो वर्ड था वो निमोनिक से निकला था। तो असेंबली लैंग्वेज को हम किस में लेके जाएंगे, पहले मशीन कोड के अंदर लेके जाएंगे ताकि कंप्यूटर उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर ले। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि ट्रांसलेटर क्या है और ट्रांसलेटर की टाइप्स क्या है। शुक्रिया।